उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में कन्नौज से लोधेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें CHC बांगरमऊ ले जाया गया, जहां से 13 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई, वहीं 8 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल से कानपुर के लिए रेफर किया गया। CO बांगरमऊ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कन्नौज की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 26 लोग बाराबंकी जिले के लोधेश्वर शिव दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान एक्सप्रेसवे के 231वें किलोमीटर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों को सामान्य चोटें आई थी, जिनका प्राथमिक उपचार करके भेज दिया गया। वहीं बाकी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां एक महिला की मौत हो गई, जिसका शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल रात में 2 बजे के बाद 13 लोग आए थे, उसमें से एक ब्रॉड डेथ था, यानी डेथ अवस्था में लाया गया यहाँ पे, जो कि बांगरमऊ से रेफर हो गए आए थे, और 13 में से 8 को हमने यहाँ से कानपुर के लिए रेफर किया। इस समय 3 मरीज हमारे पास हैं जो भर्ती। करीब 11:30 बजे आगरा एक्सप्रेस वे के 231वें किलोमीटर पर कन्नौज की तरफ से आ रही एक ट्रैक्टर, जिसमें की ट्राली भी लगी हुई थी, और उस ट्राली में करीब 26 की संख्या में कुछ लोग बैठे हुए थे, जो बताया गया कि लोधेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे, अनियंत्रित होकर वो ट्रैक्टर पलट गई, जिसमें कि ट्राली में बैठे हुए लोग, काफ़ी सारे लोगों को चोटें आईं, कुछ लोगों को हल्की चोटें थी, जिनको कि फर्स्ट एड देके उनके परिजनों को सपोर्ट किया गया, और बाकी जिनको ज़्यादा चोटें थी उनको सबको हायर सेंटर्स पर रेफर किया गया, सभी का इलाज चल रहा है। इस दुखद घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई, उनके परिजन सभी के आगे हुए, पोस्टमार्टम कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, बाकी सभी का चिकित्सकीय उपचार चल रहा है।